जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे दोबारा सत्संग करने का उन्होंने मौका दिया। थैंक यू सो मच गुरु जी। पहले मैंने तो सुनाया है वैसे कि कैसे मैं गुरु जी से मिली, बट मैं फिर से इसको शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। गुरु जी से एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर नीलम, उसके थ्रू मैं गुरुजी से मिली। पर गुरुजी ने हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, हम बाहर रह रहे थे, तो गुरुजी के बारे में नीलम मुझे सुनाती रहती थी, मैं सुनती थी, पर कभी ऐसा लगा नहीं कि जाऊं, पर सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो उसने बोला कि गुरुजी ने ऐसे बोला है कि जब तेरी फ्रेंड को प्रॉब्लम हो तो उन्होंने ले आई। तो ऑब्वियसली जब लाइफ में सब अच्छा चल रहा होता है यू डोंट थिंक अबाउट दैट सो मच, बट जब लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और इतना ज्यादा, मतलब इतना पर्सनल प्रोफेशनल हर तरह से इतना सीवियर प्रॉब्लम्स में हम अचानक आ गए, तो परेशानी के अंदर फिर वो नीलम से बात कर रहे थे, तो उसने मुझे बोला कि मंजूपाल आंटी है, उन्होंने याद दिलाया नीलम को कि गुरुजी ने तो पहले ही बोल दिया था एक साल पहले कि उन्होंने ले आई। तो उसने मेरे से पूछा, आई वाज ऐसी सिचुएशन में तो यू वांट टू यू नो डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा, वो वैसे मानते नहीं थे इतना किसी गॉड या किसी को, बट कभी मना भी वो नहीं करते थे कि नहीं करना, वो खुशी खुशी सब कर भी लेते थे। तो ही सेड ओके लेट्स गो व्हाई नॉट। तो हम गुरुजी के पास पहली बार गए, द डेट वाज 30th September, और गुरुजी के पास जब पहुंचे मैंने नीलम को रिक्वेस्ट किया कि तुम लोग भी आ जाओ तो मेरे लिए थोड़ा इजी होगा, क्योंकि नया नया जा रही हूँ, आई हैड नो आइडिया। और गुरुजी, कोई भी गुरु के बारे में थोड़ा सा वो अप्रिहेंशन भी होता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट काइंड ऑफ गुरु एंड ऑल दैट। तो उसने बोला ठीक है मैं भी पहुंच जाऊंगी। तो मैं वहां अंदर गई, मैंने देखा गुरुजी अपने गद्दी पे बैठे हुए हैं, खूब लाइट निकल रही है और ब्यूटीफुल, मतलब ही वॉज लुकिंग सो हैंडसम एंड सो ब्यूटिफुल ऑल्सो। और गई, मैंने मत्था टेका, मेरे मन में बहुत परेशानी थी, तो आई वॉन्टेड टू यू नो टॉक अबाउट इट कि गुरुजी मेरी बात सुनो। पर गुरुजी ने मुझे ऐसे इशारा कर दिया कि उधर जाके बैठो, ठीक है मैं बैठ गई। फिर उसके बाद शब्द सुनती रही, कुछ समझ नहीं आया पर बहुत अच्छा लगा। फिर लंगर किया, लंगर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद लंगर के बाद आज्ञा लेनी होती है, तो आज्ञा लेने जब गए मुझे लगा अब मैं बात करूंगी, क्योंकि किसी किसी से गुरुजी बात कर रहे थे, तो मुझे लगा हाँ दिस इज द टाइम नाउ आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम। तो मैं बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला आंटी आज नहीं। तो वो आंटी आज नहीं बोलते मुझे, मैं उठी और मुझे बहुत गुस्सा आया, मतलब इतना ज्यादा गुस्सा आया। एंड आई टोल्ड नीलम, नीलम मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी। अब इसलिए नीलम को बुरा लगा कि मैं लेके आई हूँ और ऐसे इसको इतना वो लगा। तो हम सारे चुपचाप दोनों फैमिली एम्पायर स्टेट के मेन गेट तक पहुंचे। संदीप जी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई फेल्ट लाइक गोइंग बैक एंड आई वेंट बैक। उससे 2 मिनट पहले मैंने बोला था मैं कभी नहीं आऊंगी, और एग्जैक्टली आफ्टर 2-3 मिनट आई वॉज इनसाइड द मंदिर वंस अगेन। और इस टाइम मेरे साथ नीलम भी आई, हम दोनों बैठे और मत्था टेका। एंड मेरे कुछ बोलने से पहले ही नीलम ने बोला कि गुरुजी बहुत प्रॉब्लम में, बस इतना ही बोला था कि गुरुजी ने उसको डांट दिया, बड़ा आ गई डॉक्टरनी की वकील। तो गुरुजी का तब समझ नहीं आया, अब समझ आता है कि गुरुजी ने शायद ये बोलने की कोशिश करी होगी कि अब ये इसको तू लेके आई है तो इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है मेरे से बनेगा ना, अब तो हट जा। तब नहीं समझ आया था, तब मुझे लगा कि अरे गुरुजी को कैसे पता मैं डॉक्टर हूँ।
जरूर नीलम ने बता दिया होगा, बट वो बाद में पता चला कि नीलम ने ऑब्वियसली नहीं बताया, एंड वो तो गुरुजी तो आग मेरा अगला पिछला ऊपर नीचे सब, मतलब ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी, कितने जन्म मैंने लिए हैं और कितने लेने वाली हूँ, ही नोज। सो वो बाद में पता चलता है, अभी भी अच्छे से तो कुछ पता नहीं है, बट हाँ जब पहली बार गई थी उससे तो बेटर ही है। बट उनका जो वो था बोलना, सेकेंड टाइम मैं जो गई और उन्होंने जो बोला, आ गई डॉक्टर ने की वकील, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, मतलब फ्रॉम दैट मोमेंट आई जस्ट फेल इन लव विद हिम। एंड उसके बाद ये हुआ कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे होते ही एडिक्शन सा हो गया, बस लगता था कि चलो मंदिर चलो मंदिर चलो मंदिर चलो, शाम होते ही लगता था गुरुजी को एक बार देख के आओ। कई बार हम सिर्फ चाय प्रसाद लेके आ जाते थे क्योंकि हमें सिर्फ गुरुजी को देखना होता था। हाँ लंगर करना अच्छा लगता था, पर लगता था कि ऐसा ना हो कि ज्यादा भीड़ हो जाए। प्लस हमने कई बार सुना था कि गुरुजी मना कर देते थे किसी किसी को कि महीने में एक बार आना या 15 दिन में एक बार आना, तो हमें उस बात का भी लगता था कि गुरुजी हमें ना बोल दे, तो कई बार हम सिर्फ चाय प्रसाद लेके आ जाते थे, पर उनको देखने हम लोग जरूर जरूर जाते थे। तो ऐसे ही एक बार, और मेरे हस्बैंड को ये भी लगता था कि शुरू में पहले दिन में लगा था कि जरूर कोई लाइट वाइट तक की है पीछे कि इतनी रोशनी कैसे आ रही है इनकी बॉडी से, बट ऑब्वियसली उन्होंने एक्चुअली ढूंढा भी था कि साइड में कहाँ लाइट लगाया हुआ है, बट ऑब्वियसली द रोशनी वॉज कमिंग फ्रॉम आर गुरु जी ओनली। तो वो बाद में देखा कि नहीं, जैसे प्रेगनेंस भी है, मुझे पहले लगा था कि बहुत अरे वाह गुरु जी कितना अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, बाद में पता चला वो परफ्यूम ऐसा है कि वो कहीं से भी आती है, आज भी आती है, घर बैठे बैठे अचानक वही परफ्यूम की स्मेल आती है। सो इट इज नॉट परफ्यूम, इट वॉज हिज फ्रेग्रेंस। एंड कई बार उनका जब चरण छूती थी या वो सर पे जब हाथ देते थे तो हाथों में से वो खुशबू आती थी, मतलब वो पूरी रास्ता हम लोग सूंघते रहते थे, माई डॉटर माई हस्बैंड हम लोग, कभी मैं, कि इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुजी की। तो थैंक यू गुरुजी फॉर ऑल ऑल दैट। एक बार ऐसा हुआ कि ऑब्वियसली हम परेशान तो थे ही उस टाइम, तो एज आई टोल्ड यू कि संगत जी माई हस्बैंड वाज इन नॉन बिलीवर, तो वो मन ही मन सोच रहे थे, मुझे नहीं बताया कि गुरुजी आप अगर ये करोगे तो मैं मानूंगा, आप ऐसे करो तो मैं मानूंगा। सो ये सब हमें नहीं पता। हम लोग गए मत्था टेका, लंगर करने के टाइम, जब लंगर करने के बाद जब आज्ञा लेने गए तब अचानक गुरुजी, पहले मैंने आज्ञा लिया उसके बाद मेरे हस्बैंड आज्ञा ले रहे थे, तो मैं थोड़ा सा पीछे होकर वेट कर रही थी, एक दो कदम पीछे होके अचानक गुरुजी ने खूब गालियां देना शुरू किया, उसको खूब डांट रहे थे, और मुझे बस एक वर्ड समझ आया, पर्चा ना कर, मुझे कुछ समझ नहीं, यार मैं दूर चली गई फटाफट, मुझे मैंने सोचा कि मैं तो इसके साथ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल दूर चली गई। फिर वो बाहर आए, एनीवे वो नया नया हमारा था, 3-4 महीने हुए थे, हमें बहुत बुरा लगा सबके, गुरुजी ने सबके सामने ऐसे डांटा, बाद में पता चला कि नहीं गुरुजी का जो डांट है वो दैट इज अ ब्लेसिंग, वो हमारी प्रॉब्लम्स को भगाते हैं, पर तब नहीं पता था। और गुरुजी ने पंजाबी में बोला तो हमें तो आधी चीजें अभी क्या ऑलमोस्ट 90% को समझ नहीं आया, तो रात को हम सो नहीं पा रहे थे, घर में ही डिस्कस कर रहे थे क्या बोला, और ये पर्चा ना कर जो बार बार बोल रहे थे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। फिर मैंने रात को नीलम को फोन करके उठाया, मैंने बोला ऐसा ऐसा है, ये दिस ऑल हैपेंड एंड गुरुजी सेड पर्चा ना कर और कई बार बोल रहे थे, तो शी सेड दैट वो उसका मतलब है मेरी परीक्षा ना ले। तो मेरे हस्बैंड ने तब मुझे बताया, पहले नहीं बताया था, कि ओ माय गॉड यू नो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग, मैं उनकी परीक्षा ही ले रहा था, मैं पूछ रहा था उनसे कि आप ये करो तो मैं मानू, आप वो करो तो मैं मानू। तो तब पता चला, तब बहुत खुश हो गए हम कि अच्छा गुरुजी मन की बात, मतलब उनको पता है कि क्या सोच रहे हैं मन के अंदर, वी वर लाइक, तब लगा कि नहीं हाँ गुरुजी एक्चुअली गुरुजी नहीं है, वो भगवान है, समथिंग बियॉन्ड दैट। तो ऐसे ही एक बार तब गुरुजी को मेरे हस्बैंड भी काफी मानने लगे थे, और ही
वेंट आउट, मतलब टूर पे गए हुए थे, ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। तो शायद फ्राइडे था वो, नहीं सैटरडे था व्हेन ही केम बैक। तो फ्राइडे को मैं एज यूजुअल थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी गई थी एम्पायर स्टेट। तो फ्राइडे को अनाउंस हुआ था कि इस सैटरडे गुरुजी कहीं जा रहे हैं तो मंदिर में संगत नहीं आएगी, मंदिर बंद रहेगा। तो ठीक है, मैं उनको एयरपोर्ट से लेने गई तो उन्होंने बोला मुझे घर नहीं जाना, मुझे पहले गुरुजी से मिलना है। तो मैंने बोला वो तो है नहीं। बोला हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे है नहीं, मैं इतने दिन से उनको नहीं देखा, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे उनको देखना है। मैंने कहा वो जब है ही नहीं तो फिर कैसे, आज तो मना कर दिया। वो मानी नहीं, उन्होंने बोला नहीं आई डोंट नो, मुझे लग रहा है वो वही है और मुझे जाना है। मैंने कहा वो जब नहीं है, पर ये बहस करते हुए हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे एयरपोर्ट से सीधा, हम घर नहीं गए। एम्पायर स्टेट में जब पहुंचे तो देखा वो खुला हुआ है, एक्चुअली कोई प्राइवेट फंक्शन चल रहा था। और हम अंदर घुसे तो गुरुजी वहां गद्दी पर बैठे हुए थे और गुरुजी को हमने जाके उनके चरण छुए और मेरे हस्बैंड ने उनको बोला, सारे बोल रहे थे आप नहीं हो, मुझे पता था आप यहीं मिलोगे। उन्हें गुरुजी ने इतने अच्छे से स्माइल दिया, मतलब स्माइल किया, वो हंसे एंड ही लाफ्ड एंड ही ब्लेस्ड अस। तो समय तो यही चाहिए था, उनकी ब्लेसिंग लेके हम आ गए बाहर। पर संगत जी तब हमें अभी लगता है कि मेरे हस्बैंड को इतना फेथ था कि नहीं गुरुजी वही है, वही मिलेंगे एंड वही गुरुजी वही मिले। तो उस फेथ से अगर हम शायद कुछ भी करें, गुरुजी का ध्यान करें, तो गुरुजी सच में वही मिल जाएंगे। बट वो फेथ होना चाहिए। उसके बाद मेरी डॉटर को एक बार वो हुआ, किडनी स्टोन हो गया। She was very young at that time. She was hardly 8 years old, and she was screaming at night. बहुत रो रही थी। पहले तो हमें पता ही नहीं चला उसको हुआ क्या, लग रहा था पता नहीं क्या हो गया इसको। तो मैं जब पीडियाट्रिशियन के पास ले गई, अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला 3 stones है। उसके बाद नेक्स्ट डे उसका एक डाई डाल के टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट किया तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है स्टोन का, तो पता चला। सो आई वॉज ऑब्वियसली वेरी सैड एंड एट दैट टाइम मेरी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज चल रही थी। गुरुजी के पास जाते ऐसा नहीं हुआ कि सारे डिफिकल्टीज वैनिश हो गए, पर हाँ उन डिफिकल्टीज के साथ स्ट्रगल लड़ने की या उनसे गुजरने की ताकत गुरुजी ने दी। तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड जब वो डाई वाली टेस्ट हुई तो उन्होंने बोला कि ये 2 दिन बाद अब आना और उसके बाद एक और अल्ट्रासाउंड होगा, उसके बाद मैं टेस्ट बताऊंगा, ट्रीटमेंट बताऊंगा, डॉक्टर ने बोला। आई सेड ओके फाइन। तो मैं बहुत परेशान थी और उस टाइम मैं बहुत रोई, बहुत रोई। और गुरुजी को ऐसे डायरेक्ट तो नहीं, मतलब मन ही मन बहुत बोला कि गुरुजी ऐसे कैसे, मतलब इतनी परेशानियां दे रहे हो, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ पर अपने बच्चे पे जब आता है देन फिर बर्दाश्त नहीं होता, आप प्लीज प्लीज आप कुछ करो। फिर मेरे को एक एक्लेयर्स मिला, एक्लेयर्स दिया एंड बोला इसको शाम को खिला देना। तो मैंने संगत जी मेरे डॉक्टर श्यामा को मैंने वो एक्लेयर्स खिला दिया और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमें जाना था अल्ट्रासाउंड के लिए। तो उसको लेके मैं गई, अल्ट्रासाउंड हो रहा था, कोई दूसरा रेडियोलॉजिस्ट था। तो उसने अल्ट्रासाउंड करते तो पूछा कि व्हाई हैव यू कम हियर, लाइक क्या करना है। मैंने बोला इसका वो स्टोन्स है, ये इसके रिपोर्ट्स है। मैंने बोला स्टोन्स तो कुछ है ही नहीं, एंड आई कुडंट बिलीव इट एंड आई न्यू इट वाज ऑल गुरुजी, इट वाज ऑल गुरुजी, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हिज प्रसाद। वो एक्लेयर्स में जो अमृत या व्हाटएवर वाज देयर इन दैट एक्लेयर्स दैट क्योर्ड हर, वो फिर रिपोर्ट्स लिखे, मैं पीडियाट्रिशियन के पास गई उनके कमरे में, वो बिना देखे लिखने लगे ये ट्रीटमेंट। तो मैंने उनको बोला डॉक्टर द रेडियोलॉजिस्ट इज सेइंग कि देयर इज नो स्टोन। उनको तो बिलीव ही नहीं हुआ, उन्होंने फिर रिपोर्ट देख के ही रियली जंप फ्रॉम द चेयर। ही सेड आपने इसको क्या दिया था, कोई दवाई दी थी। अब आई वाज इन टीयर्स, मैं क्या बोलूं उनको कि कौन सी दवाई उसको दी कि उसके सारे स्टोन ओवरनाइट निकल गए। तो ये तो गुरुजी, मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। लाइक गुरुजी को कितना 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 भी मैं शुक्राना करूं,
मतलब मेरी वो नहीं है कि मैं उनको शुक्राना करूं, और I'm at loss of words, वैसे क्या बोलूं मैं। ऐसे ही जब मेरे डॉटर को बहुत ज्यादा ब्रीदिंग ट्रबल था, उसको बार बार हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था इमरजेंसी, स्पेशली आप सोच लो महीने में एक बार तो जाना ही पड़ता था, कई बार दो बार भी हम गए हैं, बहुत ज्यादा था, सीवियर ब्रीदिंग एलर्जी थी उसको। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके लिए भी गुरुजी के सामने मैंने डायरेक्ट गुरुजी से कभी नहीं बोला कि गुरुजी इसको ठीक कर दो, मन ही मन बोला कि गुरुजी प्लीज इसको ठीक कर दो, इसकी तकलीफ मेरे से देखी नहीं जाती, बिकॉज यू फील सो हेल्पलेस व्हेन योर चाइल्ड इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ यू, यू जस्ट फील हेल्पलेस। इसको हॉस्पिटल ले जा रहे हो, आप स्टेरॉइड्स दिलवा रहे हो और ऑक्सीजन, तो इट वॉज अ वेरी हॉरिबल सिचुएशन, पर वही गुरुजी का प्रसाद की अनानो अंगूर खिलाई। गुरुजी कौन से अंगूर? काले वाले अंगूर। कितने गुरुजी? चार। तो उस दिन से मैं सर मेरी डॉटर को चार काले अंगूर खिलाने लगी। और संगत जी वो दिन है और आज का दिन है। हाँ कभी कभी बहुत ज्यादा जब पोल्यूशन हो जाता था तो उसको हुआ है, पर वो बहुत रेयर है, मे बी वंस इन 5 or 6 years। So that thing which used to happen once or twice every month completely stopped within 1 month with just those 4 black angoors. मतलब इसके लिए भी मैं गुरुजी को जितना भी शुक्राना करूं वो कम है, सारी जिंदगी भी शुक्राना नॉन स्टॉप बोलती रहूं तब भी कम है। अभी मैं रिसेंट का एक सत्संग सुना रही हूँ। बिकॉज ऑफ कोविड हम लास्ट ईयर, तो जनरली माई डॉटर इज इन US, ही स्टडिंग देयर, तो मैं लास्ट ईयर उससे मिलने नहीं जा पाई, जनरली एवरी समर आई गो, तो मैं लास्ट ईयर नहीं जा पाई, आई वॉज रियली मिसिंग हर एंड शी ऑल्सो वेंट थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, सो शी वॉज ऑल्सो मिसिंग कि मम्मी इतने दिन हो गए। तो इस बार जनवरी में आई सेड कि नहीं, नथिंग डूइंग, मुझे इस बार जाना ही जाना है अभी। तो जनवरी में आई वेंट टू मीट हर, तो आई वॉज वेरी टेंस, परेशान थी जाने के टाइम, जैसे हम बहुत सामान ले जाते हैं, और इस बार कोविड के टाइम में जा रही थी, क्या प्रोटोकॉल है, क्या प्रोसीजर है, क्या होगा एयरपोर्ट में, नहीं होगा, आई हैड नो क्लू, तो आई वॉज वेरी वरीड कि कैसे होगा क्या होगा। और मेरी डॉटर के लिए मैं बहुत सब सारा कुक्ड फूड ले जाती हूँ डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम दिल्ली, जो उसको बहुत पसंद है, तो उसके लिए भी मुझे बहुत टेंशन था इस बार संगत जी की कैसे होगा, गुरुजी मैं लेके जा पाऊंगी कि नहीं, मेरा टेस्ट रिपोर्ट कैसे आएगा, क्योंकि कोविड का टेस्ट करा के जाना था, एयरपोर्ट पे क्या होगा, वहां पे US कस्टम में क्या होगा, मैं लेके जा पाऊंगी, उसमें गुरुजी का प्रसाद भी था, गुरुजी का लंगर भी था जो मैं लेके जा रही थी, तो आई वॉज वेरी टेंस। बट गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी प्लीज एक काम करो आप मेरे साथ चलो, और कोविड का टाइम है, और इट वाज अ फुल फ्लाइट व्हेन आई वेंट इनसाइड द एयरपोर्ट, जब मैं चेक इन करा रही थी उन्होंने बोला डू यू वांट टू चेंज योर डेट बिकॉज दिस इज अ फुल फ्लाइट, मैंने बोला कि नहीं चेंज तो करना नहीं है बट ठीक है इट डजंट मैटर, एंड मैं यूनाइटेड एयरलाइंस के थ्रू जा रही थी, तो इट वॉज अ नॉन स्टॉप फ्लाइट, लॉन्ग फ्लाइट फॉर 14 आवर्स, सो आई वॉज होपिंग कि मेरे साथ वाला सीट अगर खाली हो तो, बट ही सेड फुल फ्लाइट, तो मैं गुरुजी को प्रे करती रही, मैंने कहा गुरुजी प्लीज आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो, और देख लो आप मेरे बिल्कुल साथ ही बैठना। संगत जी इन दैट फुल फ्लाइट मेरी साथ वाली सीट खाली थी, एंड जब टेक ऑफ किया तब आई रियलाइज कि मेरी साथ वाली सीट खाली है, उससे पहले मुझे लग रहा था शायद अभी आने वाले हैं, कोई बाथरूम गया होगा, यू नो, या इधर उधर है, आई रियलाइज फुल फ्लाइट है पर मेरी साथ वाली सीट खाली है, एंड आई रियलाइज कि गुरुजी ही मेरे साथ बैठे हैं, एंड पूरे फ्लाइट में मैं गुरुजी से कॉन्वर्सेशन चलता रहा, और उस टाइम मुझे बहुत रिलीफ लगा, मुझे लगा नहीं गुरुजी मेरे साथ है तो मेरा US में भी शायद आराम से हो जाए, मैं गुरुजी को बोलती रही कि हाँ गुरुजी वहां पे भी आप करा देना, ऐसा हो कि मुझे एक्सप्लेनेशन भी ना देना पड़े, मतलब मुझे कुछ बोलना ही ना पड़े, मैं अपने आप बस स्मूथली निकल आऊं। मैं जब वहां कस्टम्स में वो गई और कोविड रिपोर्ट भी वहां दिखाना था, सब पेपर्स मेरे हाथ में थे,
और मेरे सामने जो लाइन में लोग थे उनको मैंने देखा कि बहुत लोगों को भेज रहे थे, एस्कॉर्ट आ रहा था और उनको लेके कहीं जा रहे थे। तो मैं वो गुरुजी को प्रे कर रही थी कि गुरुजी कहाँ ले जा रहे हैं, दोबारा टेस्ट कराएंगे, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या होगा। संगत जी आई वेंट देयर, उन्होंने मेरे से पूछा कहाँ जा रहे हो, कितने दिन रहोगे, एंड दैट्स इट। मेरा वो फिंगरप्रिंट का भी नहीं हुआ, मेरा जस्ट फोटो उन्होंने लिया, एंड दैट्स अबाउट इट। आई आस्क्ड हिम, मतलब मैंने खुद पूछा, डोंट यू वांट टू सी माय कोविड रिजल्ट रिपोर्ट। ही सेड नो 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 यू गो, एंड आई वाज शॉक्ड। मतलब देयर वाज नथिंग, सबको टाइम लग रहा था वहां कस्टम्स में और इमिग्रेशन में, सबको टाइम 10 मिनट 15 मिनट लग रहा था। मेरा संगत जी सिर्फ हार्डली 3 to 4 मिनट्स में मेरे को निकाल दिया, ना मेरा कोई भी रिपोर्ट, ना कोई पेपर, ना कुछ, नथिंग। आई वॉज सो कंफ्यूज। वहां एक इंडियन लड़का था, मैंने उससे पूछा भी, मुझे लगा इसके बाद और कुछ होगा, और कुछ चेकिंग होगी, बिकॉज इट वॉज सो इजी। इतनी इजीली तो मैं आज तक नहीं पहुंची हुई यूएसए। मैंने उनसे पूछा कि अब क्या होने वाला है, ये सिर्फ अब कुछ नहीं होगा, अब यू गो, एवरीथिंग इज डन। ओह, आई वाज सो रिलीव्ड। मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना बोला कि थैंक यू गुरुजी, आपने इतनी स्मूथली, तो आज तक मैं नहीं निकली हूं, जितनी स्मूथली आपने इस बार मुझे निकाला है, तो थैंक यू गुरुजी फॉर दैट। गुरुजी का प्रसाद मेरे डॉटर तक पहुंचा, वो उसको वो ब्लेसिंग मिला, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड ये सत्संग गुरुजी का जो है, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था उस टाइम, उसके बाद कब मैं बता रही हूँ, हाउ आई लॉस्ट माय हस्बैंड। आई लॉस्ट माय हस्बैंड इन 2012, एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। उनको स्ट्रोक हुआ था, फिर उनको हॉस्पिटल ले गए, एंड सब ने यही बोला कि ही इज यंग, ही वाज हार्डली 44 एट दैट टाइम, कि वो ठीक हो जाएंगे। पहले उनको आर्टेमिस ले गए थे, फिर वहां से सफदरजंग हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए थे। उनकी वहां आर्टेमिस में एक सर्जरी हुई थी विच वाज नॉट नीडेड, एंड देन वी वर एबल टू शिफ्ट हिम टू सफदरजंग हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ डॉक्टर नीलम हस्बैंड। उसके बाद मैं मंदिर रेगुलरली जाती थी और वो आईसीयू में थे। मैंने उनके पिलो के नीचे गुरुजी का फोटो भी रखा हुआ था। गुरुजी से ऑब्वियसली मैं बहुत प्रे करती थी, गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी आई। और उस फरवरी की बात ही ये, मैं उस साल जब शिवरात्रि के दिन भी वहां गई, मंदिर में गई, आई थिंक 20th सबको था, एंड माय हस्बैंड पास्ड अवे ऑन 21st ऑफ फेब। वो क्रिटिकल कंडीशन में तो थी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी, बिकॉज मुझे लगा था कि उस टाइम लगता था गुरुजी है, एंड जैसे सत्संग में हमने सुने हैं, मैंने सुने क्या है, देखा है कि गुरुजी ने ठीक कर दिया। अब गुरुजी ने किस लिए क्यों ऐसा किया, कौन से कर्म थे, आई एम नोबडी टू थिंक अबाउट दैट एंड जज एनीबडी, यू नो। बट उस टाइम बहुत बहुत संगत जी, बहुत डिफिकल्ट टाइम था, एंड मेरे हस्बैंड के जाने के बाद गुरुजी ने जब उनको अपने पास बुला लिया, उसके बाद आई हैड फाइनेंशियली टोटली ब्रोकन डाउन। कुछ भी इमोशनली तो था ही, बिकॉज नीलम नोज आई हैड अ फेरी टेल मैरिज, एंड सडनली दैट पर्सन इज नॉट इन माई लाइफ, सो ऑब्वियसली इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आई हैड माई डॉटर, एंड देन बहुत मुश्किल था, बिल्कुल पैसे नहीं थे हमारे पास। इनफैक्ट एक ऐसा टाइम आया कि मेरे को लगा कि यू नो, लेट मी फिनिश एवरीथिंग, मैं सुसाइड ही कर लूं, मैं डॉक्टर को कुछ दे दूं, मैं खुद कुछ कर लूं,
पर वो गुरुजी हैं जो गुरुजी ने उस टाइम पता नहीं कैसे उन्होंने मेरे को सॉरी संगत जी उस टाइम कैसे उन्होंने बचाया, क्योंकि जब हस्बैंड जब चले गए गुरुजी के पास मैं बहुत मंदिर जाती थी, बड़े मंदिर, मैं बड़े मंदिर जाके बहुत रोती थी गद्दी के सामने बैठ के, और बहुत गुरुजी से लड़ाई लड़ती थी कि गुरुजी अपने ठीक नहीं किया, गुरुजी अपने ठीक नहीं किया, बहुत गुस्सा आता था मुझे, पर जाती जरूर थी, गुरुजी को अंदर जाए बिना नहीं रह सकती मैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है अभी भी, जैसे मैं नहीं जा पा रही हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, बिकॉज दैट इज द बेस्ट प्लेस ऑन दिस यूनिवर्स फॉर मी। तो एनीवे गुरुजी से मैं लड़ती थी पर जाती जरूर थी, और गुरुजी को क्वेश्चन करती थी उस टाइम कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया। तो संगत जी एक दिन पता नहीं बैठे बैठे वहीं पे रोते रोते गुरुजी ने ऐसे रियलाइज कराया, एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, शायद इसी को सरेंडर बोलते हैं, आई डोंट नो सरेंडर क्या बोलते हैं, आई रियली डोंट केयर सरेंडर किसका नाम है, बट उस टाइम मुझे मैंने ये सोचा कि गुरुजी अगर आपको लगता है यही सही है यही ठीक है तो ठीक है, यही आपका ये मर्जी सरखों पर, मैं इसके बाद मैं आपको कभी कंप्लेन नहीं करूंगी दोबारा कि गुरुजी आपने क्यों किया, हाँ मुझे दुख होगा, मैं रोऊंगी, मैं सब कुछ करूंगी, बट मैं आपको दोबारा इस बारे में कभी परेशान नहीं करूंगी। तो उस टाइम इमोशनली आई वाज सो वीक, मेरे फ्रेंड के कोई फ्रेंड थे, उन्होंने जबकि मुझे पता है गुरुजी स्टोन्स पहनने के लिए मना करते हैं, पर एट दैट टाइम आई बिकेम वेरी पैरानॉइड, मुझे हमेशा यही लगा रहता था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी डॉटर का क्या होगा, क्योंकि उस टाइम मुझे किसी ने मेरे फ्रेंड्स के अलावा और मैं एल्डर सिस्टर के अलावा हमें मेरे सब कोई नहीं था, मतलब नोबडी हेल्प मी, जितने रिश्तेदार थे जितने सो कॉल्ड ब्लड रिलेटिव्स थे ब्लड रिलेशंस थे सारे चले गए थे because we had no money, so it was a struggle, like pehle hamare paas 3 cars hoti thi, we used to live in luxury, mere matlab detergent bhi bahar se mangwati thi main, singapore se mere matlab wo aata tha, aur uske baad aisi halat ho gayi that I used to walk to save 50 rupees of फॉर द ऑटो, जो लगता था ऑटो का डिस्टेंस था जहां से मैं ग्रोसरीज खरीदती थी, मैं वो ग्रोसरीज भारी भारी लेके पैदल आती थी कि मेरे 50 रुपए बच जाएंगे, 5 बार बचेंगे तो एक पिज्जा आएगा एंड आई कैन गिव इट टू माई डॉटर। तो मेरी हालत वैसी हो गई थी उस टाइम, बस आई वॉज वेरी पैरानॉइड कि मेरे को कुछ हो जाएगा तो इसको कौन देखेगा। तो किसी ने वही बोला किसी फ्रेंड के फ्रेंड ने कि ये स्टोन पहनो, पता था गुरु जी मना करते हैं, फिर भी मैंने पहन लिया, मुझे लगा शायद मैं थोड़ा बेटर फील करूंगी। माय डॉटर वाज अगेंस्ट इट कि मम्मी जब गुरुजी मना करते हैं व्हाई आर यू डूइंग दैट, बट उस टाइम मैंने पहन लिया, दिमाग चल नहीं रहा था, बट मन में था कि ये गलत है, मैं गलत कर रही हूँ, मैं ये सही नहीं हो रहा है। फिर मैंने मेरे फ्रेंड है विदु, जिन्होंने बहुत हेल्प किया, दे आर लाइक माई फैमिली, उसका हस्बैंड है ही जस्ट लाइक माई ब्रदर, वो भी गुरु जी की संगत है। मैंने सोचा कि अगर मनीष ने भी कोई स्टोन पहना था उसी टाइम बाय चांस, मैंने वही सोचा गुरु जी अगर मनीष ने वो स्टोन उतार दिया ना तो मैं भी उतार दूंगी। और उसके 2 दिन बाद मैं उनके घर गई तो मनीष मेरे को बताता है कि मैंने सपने में गुरु जी को देखा, उसने गले में सोने की चेन में वो पहना हुआ था स्टोन, और गुरु जी आके उसको सपने में बोल रहे हैं कि तू ये मत पहन, स्टोन उतार दे तो सिर्फ चेन में अच्छा लगता है, तो स्टोन फेंक दे। तो मैंने बोला माय गॉड दैट्स व्हाट आई थॉट कि जिस दिन तो उतारेगा मैं भी उतार दूंगी। तो हमने उसी टाइम डिसाइड किया कि लेट्स गो टू बड़ा मंदिर राइट नाउ और अभी इसको उतार देते हैं। संगत जी तभी तभी हम बड़ा मंदिर के लिए निकले, बड़े मंदिर पहुंचे, वहीं पर मैंने वो गुरु जी की गद्दी के सामने उतारा और वहीं मैंने छोड़ दिया। और दोबारा मैंने
कभी भी नहीं सोचा कि मुझे स्टोन पहनना है, मुझे कोई धागा पहनना है, मुझे कोई ये पहनना है, कुछ नहीं, नथिंग। जो भी मैंने पहना था सब कुछ मैंने गुरुजी के वहां चरणों में दिया। मैंने कहा गुरुजी बेस्ट इट, मुझे आप माफ करो, आप दोबारा मैं कहीं नहीं भटकूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मुझे मतलब आप मेरे को सही रास्ते में रखना, इधर उधर मुझे भटकने मत देना। पर गुरुजी ने बहुत बार मैंने हुआ है लाइफ में और भी कि मैं इधर उधर भटकने का सिचुएशन आया है, बट ही हैज ऑलवेज सेव मी फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। आई क्रिएटेड द प्रॉब्लम्स एंड गुरुजी सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आई थिंक ऐसा सभी के साथ होता है कि ही क्रिएट द प्रॉब्लम्स एंड गुरुजी उस चीज को क्लियर कर देते हैं। ऐसे ही संगत जी, मेरा मेरे को पॉलीसिस्टिक ओवरी था काफी सालों से। ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम में मुझे पता चला कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैं गुरुजी के पास जाने के बाद मैंने इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे कि मैंने इस बारे में तो गुरुजी से प्रे करूं ये सोचा भी नहीं था, बट संगत जी गुरुजी ने ये प्रॉब्लम ठीक कर दी। अभी कुछ साल पहले ही मैं रूटीन टेस्ट अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी एंड इट इज नॉट देयर एनीमोर। एंड आई आस्क द डॉक्टर आल्सो, बोला नहीं आपको तो कुछ ऐसा है ही नहीं। सो दिस इज समथिंग विच एक बार होता है तो रहता है, बट ये बस बिना गुरुजी को, बिना प्रे किए, बिना कुछ बोले गुरुजी ने इस चीज को बिल्कुल गायब कर दिया। थैंक यू गुरुजी फॉर दैट। ऐसे कितनी चीजें होने से पहले ही गुरुजी ठीक कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। लास्ट ईयर लॉकडाउन के टाइम में दुबई जाने का बहुत मन किया। उस टाइम लॉकडाउन, प्रॉपर लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ था, बट काफी चीजें बंद हो गई थी और दुबई मंदिर भी उस टाइम बंद था। तो हम लोग टेलर आंटी के साथ गए। टेलर आंटी इज आंटी वो है जो गुरुजी के मदर के कपड़े सिलती थी, गुरुजी के चोले ऑल्टर करती थी, वो उनको टेलर आंटी बोलती हूँ मैं। तो उन लोगों के साथ डुगरी गए और ऑब्वियसली मंदिर बंद था और हम पहुंचे तो मंदिर में हमने भारती मत्था टेका, हमें प्रसाद दिया गया, हमने प्रसाद लिया। ऑब्वियसली थोड़ा बुरा लगा कि हम अंदर नहीं जा पाए, बट इट वॉज ओके। लॉकडाउन एक्चुअली एक दिन या दो दिन पहले ही शुरू हुआ था, ऐसा कुछ था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। फिर हमने सोचा ठीक है जहां गुरुजी का जन्म स्थान है वहां से मत्था टेक के चलते हैं। तो वहां हम जाने लगे तो वही गांव में कोई मिला, हमने उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, आंटी लोग किसी को जानते भी थे तो उन्होंने बोला कि वहां हम लोग वहां जा रहे हैं, गुरुजी का जो जहाँ पे जन्मे थे वहां जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला वो तो बंद है, वहां आप ही जा रहे हो, वहां तो बंद है, वहां मत जाओ। आई फेल्ट वेरी बैड कि अच्छा गुरुजी वो भी आपने बंद कर दिया, तो ठीक है, बट आई सेड कि नहीं अंकल इतने दूर आए हैं तो वहां तक तो चलते ही हैं। बट संगत जी व्हेन वी वेंट देयर इट वाज ओपन, मंदिर का वो दरवाजा खुला हुआ था, कोई भी नहीं था, वो खुला हुआ था। सो वी वेंट देयर, वहां मत्था टेका और वहां ईंट भी पड़ी हुई थी, सो वी गॉट टू और थ्री ब्रिक्स फ्रॉम देयर एंड गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना किया। फिर वहां से हम निकले और रास्ते में हमें संगत जी एक भी वो नहीं मिला। हम वहां से पटियाला जा रहे थे, हमें कोई भी ढाबा नहीं मिला कि हम वहां पे खाए। फिर गुरु जी ने कुछ और ही सोचा था, वहां पे कोई गुरुद्वारा है, वहां पे हमने फिर गुरु जी ने हमें वहां पे लंगर कराया। संगत जी वहां जब हम पटियाला पहुंचे, नेक्स्ट डे हमें आना था, दो तीन दिन बाद आना था। मैं कभी भी न्यूज नहीं देखती हूँ क्योंकि वो नेगेटिव न्यूज ज्यादा होता है न्यूज में, तो मैं न्यूज बहुत ही कम, मतलब बहुत रेयर देखती हूँ। उस दिन पता नहीं क्या मैंने न्यूज देखा, शाम को देखा तो पता चला कि दिल्ली के बॉर्डर्स
क्लोज होने वाले हैं सुबह 6 o'clock से, एंड हम तो 2 दिन में जाने वाले थे, हम फटाफट हमने पैक किया, हमने बोला नहीं नहीं वी हैव टू गो नाउ, नहीं तो हम वहीं पे मतलब फंस जाएंगे. हम वहीं से फटाफट पैक करके हम निकले. संगत जी रास्ते में जाते जाते रात हो चुकी थी काफी, और रात को मैंने वो चलाया, तब न्यू जर्सी में सुबह का टाइम था, दोपहर का टाइम था, वहां सत्संग चल रहा था, शब्द चल रहे थे, तो मैंने वो चला दिया. तो हाई स्पीड से सब जा रहे थे, बीच में एक ट्रक अचानक आया, और मैं बहुत सत्संग हमने बहुत सुना है कि डुबरी जा रहे हैं, डुबरी आ रहे हैं, गुरुजी ने कैसे बचाया, मैंने सुना है कि हाँ सुनो ऐसे गुरुजी करते हैं. वो साइड से ट्रक आ रही थी तो हम बहुत स्लो हो गए, तो एक तरफ एक ट्रक था और दूसरी तरफ वो बीच वाला डिवाइडर था, और उसमें से एक ही गाड़ी निकल सकती थी, साइड में थोड़ा सा रास्ता था. संगत जी एक दूसरी गाड़ी इतनी स्पीड से गई, हमारी गाड़ी को बहुत जोर से धक्का मारा और बिल्कुल हम साइड में जाके, हमारा गाड़ी पूरा डेंट हो गया, साइड में जाके लगा हमारा. और संगत जी उस टाइम आई वॉज लिसनिंग टू मंत्र जाप, उस टाइम मंत्र जाप चल रहा था जब ये चीज हुआ, पर हमें कुछ भी नहीं हुआ, गाड़ी में डेंट लगा उतना ही, गाड़ी में कुछ नहीं हुआ, गाड़ी चली. अगर उस दिन हमारा एक्सीडेंट होता, सुबह से सब कुछ लॉकडाउन में सब कुछ बंद होने वाला था, अगर हो जाता तो हम वहीं बीच रास्ते रुक जाते, और हमारा एक्सीडेंट भी होता तो कहां हम उतनी रात को, कहां हॉस्पिटल, कहां क्या. गुरुजी ने कैसे हमें बचाया, वी रियली डोंट नो. हमने गुरुजी को बस पूरा रास्ता शुक्राना करते आए कि गुरुजी आपने कैसे हमें बचाया उस टाइम. अभी भी मैं सोचती हूँ तो मेरे वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे गुरुजी आपने सेव किया उस टाइम, अदरवाइज इट कुड हैव बीन सो डेवास्टेटिंग. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू कितना भी बोले वही है कि थैंक यू कितना भी बोले उतना ही कम है. ऐसे एक और सत्संग में सुनाती हूँ. लास्ट ईयर भी जैसे मैंने आपको बोला कि बड़े मंदिर जा नहीं पाऊं, या फॉर दैट मैटर कहीं भी एम्पायर स्टेट भी अगर चली गई, अगर नहीं जा पाती तो मुझे बहुत बहुत परेशानी होती है. लास्ट टाइम लॉकडाउन में जब सारे घर में बैठे थे, गुरुजी ने बहुत ऐश कराई. गुरुजी ने रोज मंदिर बुलाया और लंगर का सेवा दिया हुआ था, लंगर लेके हम जाके डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कभी हमें भी स्पेशल वहां से प्रसाद मिलता था. तो गुरुजी इस चीज के लिए तो मतलब बहुत बहुत थैंक यू कि हमें आपने इतना वो समझा कि वी कुड डू दिस सेवा. ऐसे ही जब संगत जी, मैंने आपको बताया कि पैसे बिल्कुल नहीं थे, कैसे जैसे आपको बताया कि भी हमारे पास इतनी सारी गाड़ियां थी, मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास जब गए उसके बाद गाड़ी मुझे बेचनी पड़ी, बिकॉज उनके ट्रीटमेंट के लिए जो पैसे खर्च हुए थे गाड़ियां मुझे बेचनी पड़ी क्योंकि वो मुझे वापस करने थे. तो आई सोल्ड ऑफ माई कार एंड वो पे करना पड़ा, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, स्पेशली फॉर माई डॉटर कि उसको कितना बुरा लगता है ये मैं सोचती रहती थी. तो फाइनली मैंने उसको एक दिन पूछा कि बेटा आपको बहुत बुरा लगता होगा कि, अच्छा रास्ते में देख के बुरा लगता होगा कि ये वाली गाड़ी हमारे पास थी अभी नहीं है. तो उसने मुझे बोला कि मम्मा मुझे तो याद भी नहीं आता आप क्या बोल रहे हो. इट वॉज सच अ रिलीफ फॉर मी कि उसको याद भी नहीं आता कि वो गाड़ी मिस ही नहीं कर रही थी. फिर मैंने भी मेरे मन से भी वो चीज निकल गई कि ठीक है अगर इसको प्रॉब्लम नहीं है, शी इज सच अ स्मॉल चाइल्ड और आई एम थिंकिंग अबाउट ऑल दिस, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है. अगर गुरुजी साथ में है तो और क्या चाहिए. और गुरुजी ने भी इतना माय डॉटर इज सो अंडरस्टैंडिंग, ऐसे गुरुजी ही कर सकते हैं कि इतने छोटे बच्चे को इतना मच्योर वे में
थिंक करवाना कि गुरुजी मैं कितना भी गुरुजी को बोलूं ये कमी है। कब से मैंने सोचा था कि गुरुजी घर में कब सत्संग कराऊं, घर में कैसे सत्संग कराऊं, नहीं होता था। बार बार सोचती थी बस नहीं हुआ। संगत जी कैसे मेरी डॉटर को एडमिशन मिला, कैसे सब अरेंज हुआ, आप सोच सकते हो मेरे पास कहां कुछ पैसे नहीं कुछ नहीं, और कैसे सब कुछ अरेंज करके गुरुजी ने ये डॉटर को यूएस भेजा। ये गुरुजी ही जानते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ कि सब कुछ गुरुजी ने कैसे सब कुछ किया। हर चीज का अरेंजमेंट गुरुजी ने किया। और जाने से शैमा जब यूएस गई, उसका बर्थडे था 11 जुलाई, उस दिन हमारे घर में पहला सत्संग हुआ संगत जी। उसके थोड़े दिन बाद गुरुजी ने एक और सत्संग करवाया। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर दैट, जो मैं बहुत चाहती थी। उसके बाद तो बहुत बार सत्संग कराया, बट दैट फर्स्ट टाइम वाज अमेजिंग कि स्पेशली गुरुजी ने मेरी डॉटर के बर्थडे के टाइम वो सत्संग कराया। सो थैंक यू गुरुजी फॉर दैट। जैसे दुगरी वाला सत्संग भी मैंने पहले एक सुना था कि कैसे गुरुजी जब चोले में थे, मैं सोचती थी कि गुरुजी आप, गुरुजी को मैं देखती थी कई बार किसी को अपने रूम में बुलाते थे, तो आई यूज्ड टू फील वेरी जेलस कि गुरुजी आप इनको बुला रहे हो, मेरे को कब बुलाओगे। बट ऑब्वियसली गुरुजी जब चोले में थे तब तक कभी ऐसा हुआ नहीं। तो मैं सोचती थी कि शायद गुरुजी मैंने कुछ खराब काम किए होंगे इसलिए आपने ऐसा किया। उसके बाद गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, काफी टाइम हो गया। तो मैं सोचती कि गुरुजी आपने तो अभी तो आप चोले में हो नहीं, मुझे कौन बुलाएगा अब उस कमरे में। और फिर मैंने सोचा नहीं, इतना गुरुजी को इतना नहीं सोचना चाहिए, ठीक है गुरुजी ने जितना दिया मंदिर जा पाई हूँ यही बहुत है। पर कहीं ना कहीं मंदिर मन में था कि मैं वहां नहीं जा पाई, ठीक है। ऐसे हमारा डुगरी जाने का प्लान हुआ, हमारी फैमिली और डॉक्टर नीलम की फैमिली, हम लोग सब डुगरी पहुंचे। और पहुंचते पहुंचते हमारा थोड़ा लेट हो गया था, तो जहां शायद हमें रुकना था वहां नहीं जाके हम सीधा गुरुजी के घर पे गए। तो गुरुजी के घर पे जब गए, वहां पे गौरव अंकल के मदर थे और बापू जी भी थे। तो उन्होंने हमें बोला कि ठीक है आप एक कमरा दिया, एंड दैट वाज नवमी, अगले दिन दशहरा था, हम नवरात्रि के टाइम में गए थे। उन्होंने बोला ठीक है आप यहाँ सो जाओ। इट वॉज ए ह्यूज रूम, बहुत बड़ा एक कमरा था, बहुत पलीशियल बड़ा सा बाथरूम था, हमें वहां सोने को उन्होंने बोला। हम लोग सो गए, टायर्ड थे, लेट आए थे, तो हम लोग जाके आराम से सो गए। फिर सुबह उठे, फिर सुबह उठने के बाद हम लोग बेसिकली गुरु जी के जन्म स्थान को देखने आए थे, और वहां से उन दिनों सब ईट लेके जाते थे, तो हमें भी मन था कि हम भी एक ईट लेके आएंगे, वहां ब्लेसिंग लेके आएंगे। तो सुबह उठ के नहा धो के हम लोग गए वहां, दर्शन किए, हमने वहां से ईट लिया। फिर हम जब आए और आज्ञा लेने लगे, तो गौरव अंकल के मदर ने बोला कि नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको गुरुजी की संगत आई है, हम अगर बिना खिलाए भेजे तो कैसा गुरुजी को कैसा लगेगा, आप लोग प्लीज यहाँ लंगर करके जाओ। ऑब्वियसली हम तो बहुत खुश हो गए, ने बोला हाँ ठीक है। फिर हम वहां, उन्होंने बहुत चीजें सुनाई गुरुजी के बारे में, बहुत चीजें सुनाई, और बहुत सत्संग होता रहा। गुरुजी के जो जितने चोले थे और गुरुजी के जोड़े थे, सारे उन्होंने सारे निकाल के हमारे सामने रख दिया। हमने बहुत मतलब उनको गले लगाया और उनकी फ्रेग्रेंस ली। उन्होंने फिर हमें मक्की के आटे के साथ मेथी और मक्की का आटा मिला के पराठे खिलाए, और लाल मिर्च का अचार था। तो इतना अच्छा लगा हमें। तब गौरव अंकल के मदर ने हमें बताया, पता है आप किसके रूम में थे, उन्होंने बोला नहीं, तो बोला वो गुरुजी का रूम है, वहां पे गुरुजी रहते थे। संगत जी मेरे तो वहां रोंगटे खड़े हो गए और मेरे आंखों से आंसू आ गए थे कि गुरुजी कब मैंने बोला था कि अब कब अपने कमरे में मुझे कब बुलाओगे, और कब मुझे गुरुजी ने कैसे अपने कमरे में बुलाया, और फिर बुलाया नहीं, पूरी रात वहां उनके चरणों में सोने का ब्लेसिंग भी दिया। तो गुरुजी मतलब क्या बोलूं, मतलब जितना
समटाइम्स आई बिकम स्पीचलेस, मैं बोलने के लिए कुछ नहीं होता. मुझे संगत से, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के साइड या मेरे साइड में, एक्सेप्ट माय सिस्टर, माय डियर फ्रेंड्स, संगत से मुझे इतना प्यार मिला, इतना प्यार. एंड आई थिंक दिस इज व्हाट इज अनकंडीशनल लव इज, बिकॉज यहाँ किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिर्फ प्यार मिलता है. जैसे बाइबल आंटी के बारे में मैं बोलूंगी, बाइबल आंटी का ये नाम गुरुजी ने ही दिया था. वो बाइबल स्टडी के लिए यूएस गई थी, जो किसी को पता नहीं था, पर ऑब्वियसली गुरुजी के पास जब वो आई, गुरुजी को पता ही था, तो उन्होंने उनका ये नाम दिया था. उनसे ऐसे मेरा कनेक्शन हुआ कि शी वॉज जस्ट लाइक अ मदर टू मी. इतना प्यार उनसे मिला. फिर उनके जो ब्रदर, उनसे भी, कर्नल जसपाल चोपड़ा, उनसे भी इतना प्यार मिल रहा है. एंड मैनी आंटी, एंड मैं कितना बोलूं, मतलब इतना ज्यादा प्यार. अभी जो सुशील आंटी है, अंकल है, इतना ज्यादा उनसे अफेक्शन मिलता है, तो लगता है कि मतलब दिस इज, जैसे गुरुजी बोलते थे कि यही हमारा परिवार है, यही तुम्हारा परिवार है, असली परिवार, यही असली परिवार है. क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो, नहीं हो, कुछ भी हो, ये हमेशा खड़े होते हैं. जैसे टेलर आंटी का भी, टेलर आंटी से, अंकल से इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है. उन्होंने गुरुजी का चोला, जो उनके पास बहुत सारे चोले हैं, गुरुजी ने उनको बहुत सारे चोले जोड़े बस किए हैं, तो वो चोले का मैंने पहले भी सुनाया था, उनके चोले, उनके पास चोले का एक टुकड़ा भी उन्होंने हमें दिया था एज ब्लेसिंग, मेरे को और नीलम को. तो क्या बोलो, मतलब इतना इतना ज्यादा उन्होंने, सबसे मुझे प्यार मिलता है कि इट इज बियॉन्ड बियॉन्ड वर्ड्स. आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि वो कैसे लगता है. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू संगत जी, एंड मेरे को आज सत्संग करने का मौका दिया. थैंक यू कुणाल अंकल, आपने मेरे को बहुत 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 अच्छा लगा मुझे. आई एम नॉट शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. गुरुजी को अनलिमिटेड शुक्राना फॉर लेटिंग मी शेयर माई एक्सपीरियंस एंड माई फीलिंग्स विद द संगत. एंड गुरुजी, आई जिस दिन से आपके पास गई हूँ, आई एम इन लव विद यू, एंड आई थिंक आई विल ऑलवेज लव यू. एंड थैंक यू सो मच. जय गुरुजी.